लठेरी में अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान के ताले तोड़कर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए के मोबाइल और अन्य सामग्री पर हाथ साफ किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। इस दौरान चोरों ने 90 मोबाइल लेकर फरार हुए हैं। पूरा मामला पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मेरे पास करीबन 7 से 8 लाख के बीच में चोरी हुई है, 7, 7.5, 8 लाख के बीच। कितने मोबाइल थे? मेरे पास टोटल 89 मोबाइल थे, जिसमें से 47 मोबाइल एंड्रॉयड हैं और 40-41 मोबाइल कीपैड हैं। ताले तोड़े गए हैं या और कोई? ताले तोड़े गए हैं और वो पंचर खोलने का वो एक पाना वगैरह होता है, उससे ताले वाले तोड़े हैं, वो मिला भी है दुकान। अच्छा, क्या लगता है अभी तक कुछ कारण स्पष्ट हो पाए हैं कि अभी तक ये सीसीटीवी कैमरे चेक करे हैं तो उनमें फोटो वगैरह निकले हैं, फुटेज निकाल के रखे हैं हम लोगों ने, थाने में भी दे दिए हैं। बाकी और देख रहे हैं, हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है। अच्छा, रात भर पुलिस गश्ती की बात करती है तो क्या ऐसे में लगता है कि प्रॉपर गश्ती अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया है क्या? अभी तक अपने सीसीटीवी कैमरा दिखवाए गए हैं, उसमें 5-6 लोग दिख रहे हैं, अब उनकी जाँच की जाएगी। दूसरा ये है कि वहाँ से हमने विदिशा से डाक पार्टी बुलवाई थी, साइबर सेल वाले बुलवाए थे जो मोबाइल की जांच करते हैं, और फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाली पार्टी भी आई थी। तीनों पार्टी अपनी जो रिपोर्ट विदिशा से यहाँ भिजवा देंगे, उस हिसाब से आगे की विवेचना भी करेंगे। और सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनकी भी जाँच करेंगे। दूसरी बात, उनने मोबाइल से बात की है घटना स्थल के पास से, तो मोबाइल की भी जानकारी अपन मिल जाएगी, उस हिसाब से आगे की विवेचना की जाएगी। सर, क्या लगता है आपको, प्रॉपर गश्त की जा रही है? गश्त की जा रही है, लेकिन राउंड से की जा रही है, एक जगह खड़े होकर नहीं, घूमते फिरते गश्त होती है। तो सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि